दोस्तों, आपने कीबोर्ड पर सबसे ऊपर वाली रो में F1 से लेकर F12 तक की कीज को देखा होगा, लेकिन अधिकांश लोगों को इन कीज का यूज पता नहीं होता कि आखिरकार इन की का यूज कहां पर और कैसे होता है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम F1 से लेकर F12 तक की सारी कीज को कैसे यूज किया जाता है इसे समझेंगे। तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, इसीलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम F1 की को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर एक हेल्प का ऑप्शन खुल के आ जाता है। इसके साथ ही जब हम गूगल क्रोम में भी F1 को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर हेल्प का ऑप्शन खुल के आ जाता है। F2 की का यूज जनरली रीनेम के लिए किया जाता है। जब हम किसी भी फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करके F2 को प्रेस करते हैं तो वहां पर हमारे सामने रीनेम आ जाता है। जैसे हमारे सामने यहाँ पर ये न्यू फोल्डर है, अगर हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर F2 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हम इसको रीनेम कर सकते हैं। इसके साथ ही जब हम वर्ड में कंट्रोल के साथ F2 को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू ओपन हो जाता है। विंडोज में F3 को प्रेस करने पर यहाँ पर हमारे सामने सर्च का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ से हम किसी भी फाइल को सर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही हम जब क्रोम में भी F3 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर भी हमारे सामने सर्च का ऑप्शन आ जाता है, जहां से हम किसी भी वर्ड को सर्च कर सकते हैं। इसके साथ ही MS वर्ड में जब हम किसी भी वर्ड को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर हम शिफ्ट के साथ F3 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर इसका केस चेंज हो जाता है। जैसे शिफ्ट के साथ F3 को प्रेस करने पर यहाँ पर इसका केस चेंज हो गया। विंडोज में F4 को प्रेस करने पर यहाँ पर हमारे सामने एड्रेस बार ओपन हो जाता है। इसके साथ ही अल्टर के साथ F4 को प्रेस करने पर यहाँ पर हमारी कोई भी फाइल यदि ओपन होती है तो वह यहाँ पर क्लोज हो जाती है, और हमारी किसी भी फाइल के ओपन नहीं होने की कंडीशन में यदि हम यहाँ पर अल्टर के साथ F4 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने शटडाउन का ऑप्शन खुल के आ जाता है। F5 को प्रेस करने पर हम यहाँ पर विंडो को रिफ्रेश कर सकते हैं। हम जैसे ही F5 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारी विंडो रिफ्रेश होना स्टार्ट हो जाती है। जब हम इंटरनेट पर F5 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा पेज रीलोड होने लगता है। इसके साथ ही वर्ड में F5 को प्रेस करने पर हमारे सामने यहाँ पर गो टू का ऑप्शन खुल जाता है, और जब हम पावर पॉइंट में F5 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा स्लाइड शो ओपन हो जाता है। F6 की को जब हम क्रोम ब्राउजर में प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारा एड्रेस बार ओपन हो जाता है। MS वर्ड में जब हम F7 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने स्पेलिंग एंड ग्रामर की विंडोज ओपन हो जाती है। इसके साथ ही हम जब किसी भी वर्ड को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और हम यहाँ पर शिफ्ट के साथ जब F7 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने उस वर्ड से रिलेटेड वर्ड की एक लिस्ट खुल जाती है, जिससे हम उस वर्ड से रिलेटेड किसी भी दूसरे वर्ड को यहाँ से ले सकते हैं। जब हम किसी भी सिस्टम में विंडोज का इंस्टॉलेशन करते हैं उस टाइम पर इफेक्ट का यूज होता है, तब इफेक्ट को प्रेस करने पर हमारे सामने बूट मेनू ओपन होता है। F9 की का यूज MS आउटलुक में किसी भी ईमेल को सेंड करने या रिसीव करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही MS वर्ड में F9 की का यूज रिफ्रेश के लिए किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाते हैं, हम यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 और 3 को जोड़ने पर 5 आ गया, लेकिन हम यहाँ पर किसी भी वैल्यू को जब चेंज करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2 को हटाकर हम यहाँ पर 4 कर देते हैं तो हमारा सम यहाँ पर चेंज नहीं होता। तो ऐसे समय पर हम MS वर्ड को यहाँ पर रिफ्रेश करने के लिए हमें उसके फॉर्मूला को सिलेक्ट करना होता है, और हम यहाँ पर जैसे ही F9 को प्रेस करते हैं तो हमारा वर्ड यहाँ पर रिफ्रेश हो जाता है और हमारा आंसर चेंज हो जाता है।
एमएस वर्ड में एफटीएम को प्रेस करने पर हमारे सामने मेनू पर लेटर हाईलाइट होने लगते हैं, और जो भी लेटर हमारे सामने हाईलाइट होता है उसको प्रेस करने पर वह मेनू यहाँ पर ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ पर W को प्रेस करने पर व्यू ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर जो भी हाईलाइट दिख रहा है उन्हें प्रेस करने पर वो भी ओपन हो जाते हैं। इसके साथ ही जब शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस किया जाता है तो यहाँ पर हमारा राइट क्लिक ओपन हो जाता है। F11 को प्रेस करने पर हमारे गूगल क्रोम में हमारी स्क्रीन फुल स्क्रीन हो जाती है, और फिर से हम जब F11 को प्रेस करते हैं फिर से हमारी स्क्रीन नॉर्मल मोड में आ जाती है। इसके साथ ही एक्सेल में हम किसी भी टेबल को सिलेक्ट करके जब यहाँ पर F11 को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर हमारे सामने टेबल चार्ट आ जाता है। वर्ड और एक्सेल में F12 की को प्रेस करने पर हमारे सामने सेव्स का ऑप्शन आ जाता है। यहां से हम किसी भी फाइल को किसी भी लोकेशन पर जाकर सेव कर सकते हैं। इसके साथ ही कंट्रोल प्लस F12 प्रेस करने पर हमारे सामने ओपन का ऑप्शन आ जाता है। यहां से हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। इसके साथ ही हम कंट्रोल और शिफ्ट के साथ F12 को प्रेस करते हैं तो हमारे सामने यहां पर प्रिंट का ऑप्शन ओपन हो जाता है। यहां से हम हमारे पेज का सेटअप करके और हम यहां से प्रिंट ऑप्शन पर जाकर प्रिंट दे सकते हैं। अब तो आपको अपने कीबोर्ड की F1 से लेकर F12 तक की सभी की का यूज समझ में आ चुका होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप तक ऐसे और भी वीडियो की जानकारी पहुंच सके।